वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्पेशल गोलगप्पे, एकदम गोल गोल और क्रिस्पी भी, वो भी बस दो मिनट में। ऐसा जादू कैसे होगा वो आपको आगे पता लगेगा। कई बार पानी पूरी का पानी भी बन जाता है और मटर भी बन जाती है, मगर जब गोलगप्पे की बारी आती है तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। ऐसे क्रिस्पी और गोल गोल गोलगप्पे बन ही नहीं पाते, कभी टेढ़े कभी मेढ़े कभी पिचके हुए कभी पापड़ जैसे बन जाते हैं। आज ऐसे ही गोलगप्पे जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल गोल गोल और क्रिस्पी गोलगप्पे बनाना सिखाएंगे। तो उससे पहले देखते हैं पानी कैसे बनता है। उसके लिए हमें चाहिए होगा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, इन सभी को लेकर के आपको मिक्सी में पीस लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। उसके अलावा चाहिए होगा आपको नमक, या तो सादा नमक ले लीजिए या काला नमक, ये आपकी इच्छा है। चाट मसाला और इमली का पानी डालना है, तो ध्यान रखिए इमली को रात भर भिगोइए, फिर सुबह उसे अच्छे से हाथ से मसल करके उसका पानी तैयार कर लीजिए। या फिर उसे तुरंत बनाना है तो कुछ देर भिगो दीजिए, फिर उबाल करके उसे अच्छे से निचोड़ करके उसे छान करके पानी तैयार कर लीजिए। तो ये आपका पानी हो गया। अगर इमली का पानी नहीं है तो आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगी काली मिर्च, जीरा पाउडर। अगर जीरा पाउडर नहीं है तो जो खड़ा जीरा होता है उसे तवे पर भून लीजिए, भूनने के बाद उसे पीस लीजिए, उसे भी डाल सकते हैं और एक बेहतरीन स्वाद आता है इससे। और इसके अलावा आप ले सकते हैं जो ऑप्शनल है जल जीरे का पाउडर। और आपको चाहिए होगा बर्फ़ और ठंडा पानी, और हाँ थोड़ी सी हींग जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपके पेट में कोई इससे प्रॉब्लम ना हो। हालांकि ये घर में बना रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी हींग आप ज़रूर डाल दीजिएगा। इसके अलावा आपको मटर की ज़रूरत होगी, वो कैसे बनाते हैं तो उसके लिए चाहिए होगी आपकी सफ़ेद मटर, जो आप रात भर भिगो के रखेंगे और मॉर्निंग में इसे धो करके अच्छे से कुकर में डाल करके पानी डाल करके इसे उबाल लेना है। नमक डाल करके, सिर्फ नमक डालना होगा और आपकी मटर जो है वो तैयार हो जाएगी गोलगप्पे में डालने के लिए। तो अब चलिए हम आपको सिखाते हैं कि गोलगप्पे इस तरह के क्रिस्पी और गोल गोल कैसे बनते हैं। इसके लिए एक पैकेट आता है जो रेडीमेड होता है और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आसानी से, और ऑफलाइन भी शायद हो सकता है ग्रोसरी शॉप में मिल जाए आपको। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा, सबसे पहले आप पैकेट फाड़िए, निकालिए और फ्राई करिए और तैयार हैं आपके गोलगप्पे। मगर ध्यान रखिएगा, इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले जो आँच को है वो तेज़ आँच है, सबसे पहले तेज़ आँच पे ऑयल को गर्म करिए, उसके बाद मीडियम आँच पर रख करके इसको फ्राई करिए और इसे डुलाते रहिए जब तक ये फूल नहीं जाए, और तुरंत फूलते ही इसको निकाल लीजिएगा। इस तरह के ये चिप्स के पैकेट में आते हैं और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर ऑफलाइन नहीं मिलते हैं तो हम आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहाँ से आप क्लिक करके परचेस कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है और आराम से आपको काफ़ी बड़ा पैक काफ़ी जो क्वांटिटी में आपको जो है गोलगप्पे मिल जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप ये वाले गोलगप्पे दही वाले गोलगप्पे बनाने के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे कि मटर पड़ती है, फिर चटनी पड़ती है, फिर दही पड़ता है, मगर उसे बना करके प्लेट में सजा करके और देर से मत खाइए, क्योंकि ये सॉफ़्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी सॉफ़्ट भी हो जाते हैं। तो ये आपको गोलगप्पे बनाने की शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, यकीन मानिए आप जैसे ही इसे तेल में डालेंगे और इसको अप्रॉक्स कुछ सेकंड ही लगते हैं और डालते ही फूल जाता है। कंटिन्यूसली हिलाना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा और ज़्यादा देर नहीं रखना है क्योंकि काले पड़ सकते हैं। तो जैसे ही फूल जाए इसे निकाल लीजिएगा, बस इतनी सी छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है और बहुत ही जल्दी बना लेंगे। और यकीन मानिए आप बाहर के गोलगप्पे भूल जाएंगे, क्योंकि हाइजीन की बात है, हाइजीन जो है घर में मेंटेन रहता है, बाहर मेंटेन नहीं हो पाता है। और कितने लोग करते हैं कितने लोग नहीं करते हैं, किस तरह से वो पानी तैयार करते हैं वो भी आपको नहीं पता होता है। और ऐसे समय में मैं तो कहूँगी आपको बाहर खाना नहीं चाहिए, बस आप ऑर्डर करिए और घर पर मंगाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा गोलगप्पे के दीवानों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।